बारिश ने पहले तो खेल खेला अपना, बारिश की थी बात लेकिन बारिश का था खतरा, लेकिन समय भी था बहुत, लेकिन हमें देखने मिला पूरा मुकाबला जिसमें देखा हमने भारत का जीत, हमने देखा रोहित शर्मा का 50, हमने क्रिटिकल विकेट के अंदर बॉल को घूमते भी देखा, हमने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धराशायी होते देखा, हमने देखा कि कैसे भारत के स्पिनर्स ने फंसाया जाल में, अफ्रीका को बनाया और इंग्लैंड की टीम को 103 रन पर आउट कर दिखाया, 171 तक पहुंचता नजर आया, 57 रन रोहित शर्मा ने बनाए, कोहली 9 रन बनाकर आउट हुए लेकिन 4 रन ऋषभ पंत भी बनाकर आउट होते नजर आए, 47 सूर्य नमस्कार का मौका मिला और हार्दिक पांड्या ने 23 रन बनाया 13 गेंदों पर के अंदर, रविंद्र जडेजा ने ग्लिम्सेस दिखाए 9 गेंदों में 17 उन्होंने बना दिया, शुभम दुबे 0 पे आउट हुए, बिट ऑफ अ कंसर्न नजर आ रहा है यहाँ पर और 10 रन बनाकर अक्षर पटेल आउट हुए और एक हरदीप सिंह 3 विकेट लटकाया, क्रिस डॉलर ने 1 विकेट, क्रिस टॉपली, जॉफ्रा आर्चर, सामकरण और राशिद आदिल रशीद के खाते में नजर आया, लिविंगस्टोन ने 4 ओवर में 24 रन दिए, एक भी विकेट नहीं नजर आया, इंग्लैंड की जवाब बल्लेबाजी 5 रन बनाकर फिर सॉल्ट आउट हुए, जॉर्ज बटलर 23 बनाकर आउट हुए तो 8 बनाकर मोइन अली वापस गए तो 0 बनाकर, बेन स्टॉर्म 25, हैरी ब्रुक्स 2, सामकरण 11, लिविंगस्टोन 1, क्रिस डॉलर 21, जॉफ्रा आर्चर 2, राशिद रशीद और रीड टॉपली 3 विकेट चटकाया, कुलदीप यादव ने 3 विकेट ही चटकाया, अक्षर पटेल ने, जसप्रीत बुमराह के खाते में 2 विकेट नजर आया, जडेजा ने 3 ओवर में 16 रन दिए, हार्दिक पांड्या ने 1 ओवर में 14 रन खाया, ये पूरा मुकाबले के अंदर ये पूरी चीज़ नजर आई, 68 रन के बड़े मार्जिन से भारत जीतता नजर आया, इंग्लैंड को हराता नजर आया और भारत और साउथ अफ्रीका की अपॉइंटमेंट फिक्स हुए है, नजर आएगा हमें बारबाडोस रिचर्डसन का मैदान नजर आएगा जो मेज़बानी करता नजर आएगा, ये मुकाबले की 29 जून सैटरडे को जो खेला जाएगा उसके लिए करेंगे बात वो मुकाबले की भी, लेकिन यहाँ ये वीडियो के अंदर सिर्फ इतना, अगर आपको वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।